हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने फोटोशॉप 7 में कैसे एनिमेटेड पिक्चर बनानी है। तो सबसे पहले हमने अपना फोटोशॉप ओपन किया। जी दोस्तों, ये आपने अपनी मर्जी से एक बैकग्राउंड ले लेना है। अब हमने पिक्चर को ओपन करना है। दोस्तों, की पिक्चर हमने ओपन की। चलिए पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, आपने अपनी मर्जी का कलर चूज कर लेना है। चलिए, मैं दोस्तों ये वाला कलर ले लिया। और आपने आर्ट बैक स्पेस प्रेस करना है और ये कलर आ जाएगा। फिर दोस्तों, हम इधर आए। इधर आपने मैजिक वैन टूल यूज करने सेलेक्ट किया। जी दोस्तों, शिफ्ट के साथ ये प्रेस किया और फिर आपने सेलेक्ट में आना है और इन्वर्स करना है आपने। अब आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है, इसको पकड़ के आप इधर ले आए। दोस्तों, ये देखें, ये आपकी तस्वीर इधर आ चुकी है। अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना, कंट्रोल टी करना है। जी दोस्तों, अब आपने शेप लेके आनी है। उसके लिए हम क्लिक किया हमने। फाइल में गए ओपन। नहीं, इधर नहीं है सर। दोस्तों, हमने तस्वीर डाउनलोड से लेनी है। दोस्तों, ये पिक हमने ली, इसको भी हमने सेम स्टेप करना है। इसके साथ सेलेक्ट, इनवर्स, मूव। दोस्तों, ये देखिए एक शेप आ गई। हम रीसाइज करते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जी अब दोस्तों, हमने इसे कंट्रोल जे करना है। 1 2 3 4 5, 5 शेप ली हमने। दोस्तों, ये मूव किया हमने, थोड़ा सा बड़ा किया ऐसे। सब नेक्स्ट। मूव किया, कंट्रोल टी, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इससे। नेक्स्ट लेयर मूव किया, कंट्रोल टी,
बड़ा किया। चलिए नेक्स्ट मूव टूल। जी दोस्त, अब हमने इनका कलर चेंज करना है। कंट्रोल यू किया आपने, इसका ये कलर रखते हैं हम। कंट्रोल यू, इसका ये कलर किया। नेक्स्ट प्लेयर, कंट्रोल यू को इधर कर लेते हैं, हमें नजर आए अच्छी तरह। ये कलर दिया, एक दो तीन चार पांच, पांच कलर हो चुके हमारे पास। ये वाली लेयर कौन सी दोस्तों, ये देखना हमने, ये एक ज्यादा है, इसे हमने डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों इन सबको हमने किया हाइड। अब हम इमेज एडिट में आए दोस्तों, ये हमारी पहले भी ओपन हुई है, हमने बड़ा किया। जी दोस्तों सबसे नीचे आए हम दोस्तों, हमने न्यू फ्रेम ऐड किया। ये वाली लेयर को आपने ओपन करना है, न्यू फ्रेम। ये वाली हमने अनहाइड की, ये हाइड कर दी। अब नेक्स्ट, अब इसको हमने अनहाइड किया, इसे हाइड कर दिया। न्यू फ्रेम, इसको हमने अनहाइड किया, इसको हाइड कर दिया। न्यू फ्रेम, इसको हमने अनहाइड किया, इसको हाइड कर दिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इसे सेलेक्ट करना है, और आपने टाइम दे देना इसे 0.1 सेकेंड। जी दोस्तों ये देखें, अब हमने रन किया ऐसे, जी दोस्तों अब हम इसको सेव करते हैं, फाइल में आए, सेव ऑप्टिमाइज। दोस्तों हमने सेव किया, हमारी फाइल सेव हो चुकी है। मिनिमाइज किया दोस्तों, ये देखें ये हमारी इमेज रेडी हो चुकी है।